साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मौजूद है और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल बहुत बड़ा सभा होने वाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल, भगवत मान दोनों शामिल होंगे। कांग्रेस और हमेशा बीजेपी की फाइट रही है यहाँ पर, ट्राइंगल ऑफ फाइट कम रहा है। आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी टू ब्रेक इन? देखिए, देश में जहाँ जहाँ पर कांग्रेस भाजपा हैं वहाँ पे दो पार्टियों की फाइट होती रही है। आम आदमी पार्टी ने एक विकल्प दिया, दिल्ली के अंदर विकल्प दिया, दोनों पार्टियों की थी, लोगों ने बदलाव किया। पंजाब के अंदर विकल्प दिया, पंजाब में लोगों ने बदलाव किया। गोवा में आम आदमी पार्टी को लोगों ने सहयोग दिया, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ लोग खड़ा हुए। आज आम आदमी पार्टी तेजी के साथ बढ़ते हुए राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी भाजपा को तो लोगों ने साथ दिया, कांग्रेस को भी साथ दिया, लेकिन दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ के लोगों का साथ नहीं दिया। उनको जो रोजगार का जो संकट था आज भी मौजूद है, आदिवासियों की जो समस्या है आज भी मौजूद है, जो किसानों की समस्या है आज भी मौजूद है, बेरोजगारों की समस्या आज भी मौजूद है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं और आम आदमी पार्टी उस बदलाव का माध्यम बनने जा रही है। दिल्ली और गुजरात का देखें तो डायनेमिक्स अलग है स्टेट्स के, छत्तीसगढ़ के डायनेमिक्स कम्प्लीटली अलग है। आम आदमी पार्टी किस तरह से छत्तीसगढ़ के डायनेमिक्स में फिट होने के लिए तैयार? हर देश के हर राज्य का डायनेमिक्स अलग है। छत्तीसगढ़ के अंदर ही बस्तर का डायनेमिक्स अलग है, सरगुजा का अलग है, रायपुर का अलग है, बिलासपुर का अलग है। तो डायनेमिक्स तो अलग है, लेकिन रहने वाले लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ये डायनेमिक्स सबकी एक है। इसलिए वो डायनेमिक्स पे लोग बदलाव चाहते हैं कि ये हमारी समस्याएं जो है उनका समाधान आम आदमी पार्टी कर सकती है। क्या गुजरात मॉडल यहाँ पे रिपीट किया, क्या दिल्ली और आपका पंजाब मॉडल यहाँ पे रिपीट किया जाएगा? गुजरात में आम आदमी पार्टी ने वोट कट करने का काम किया, क्या यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में यही भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, आवाज है, एक आंदोलन है। दिल्ली के अंदर जो हमने किया है, पंजाब के अंदर जो हमने किया है, उसकी जो अच्छाइयाँ वो छत्तीसगढ़ में लाएंगे और छत्तीसगढ़ की जो जरूरत है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़िया मॉडल बनाएंगे। जैसे क्या आप एग्जांपल अगर बताना चाहें छत्तीसगढ़ में क्या ऐसा इंप्लीमेंट होगा जो पंजाब या दिल्ली मॉडल से इंस्पायर? जैसे सबसे बड़ा जो रोजाना की जिंदगी में देखो, एक इंसान को चाहिए क्या? स्कूल अच्छे चाहिए, उसके बच्चे पढ़ाई हो जाए, चाहे वो आदिवासी इलाका हो, चाहे गाँव का इलाका हो, चाहे शहर का इलाका हो। दूसरा, लोगों को अगर बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए। तीसरी चीज़, लोगों को बिजली पानी जो सबकी ज़रूरत है उसमें लोगों को सुविधा चाहिए। तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये चार चीज़ ऐसी है कि मैंने देखा कि चाहे वो आप बीजापुर में भी वही ज़रूरत है, जसपुर में भी वही ज़रूरत है, उसको पूरा करेगी आम आदमी पार्टी। तो बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का प्लान रहेगा जो कि बाकी दोनों स्टेट्स में भी रहा है? निश्चित रूप से रहेगा। एब्सोल्युटली, ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली मॉडल रिपीट करेंगे छत्तीसगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे पावर में आ जाती है तो। मैं सुमी राजपन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र के साथ छत्तीसगढ़ आज तक।